हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बता ही दिया था कि कैसे आप अपने गवर्नमेंट टैब में टेम्प्रेरी खट्टर को ला सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उसमें भी कई सारे लोगों को ये वाले कमेंट आ रहे थे कि भाई मुझे टेम्प्रेरी नहीं लाना, मुझे वही 4K4 ऐप लाना है जो कि पहले खट्टर में थे, बिल्कुल सेम करना है, ना ही मुझे 3 बटन चाहिए, उसमें कुछ भी निकलना चलना चाहिए, सिर्फ खट्टर चाहिए। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने गवर्नमेंट टैब में परमानेंटली खट्टर को ला सकते हैं। एंड ये वैसे मैंने आपको कमेंट में बता ही दिया था, लेकिन कई सारे लोगों कह रहे थे कि आप खुद करके दिखाओ। तो ये दोस्तों, मैंने वीडियो में आपको जो भी दिखाने वाला, ये दोस्तों मैंने स्कूल में बनाई थी, क्योंकि मेरे टैब में खट्टर नहीं है, लेकिन किसी के टैब में था जिसके अंदर खट्टर लाना था, तो उसकी वीडियो मैंने बना ली थी। एंड अभी दोस्तों मैं आपको यही वीडियो दिखाने वाला हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, लाइक कर लो एंड कमेंट में बताना कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ कहीं पर आपको इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही होगी, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैसेज कर सकते हैं। एंड दोस्तों, लेट्स गो, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने जो, अगर आपका टैब नॉर्मल है तो आपको अपने गवर्नमेंट टैब में सेटिंग ओपन कर लेना है। अब ये वाली वीडियो में मैंने सेटिंग ओपन कर ली, ये सब मैं नहीं दिखा पाया क्योंकि यहाँ पर स्कूल था तो नहीं दिखा पाया। तो यहाँ पर दोस्तों सीधा वेलकम से ये वीडियो स्टार्ट हो रही है। तो इसमें मैंने पहले क्या किया था, जब मैं उसमें नॉर्मल था टैब, तो मैं सेटिंग में गया और वहाँ पर मैंने फैक्ट्री डाटा रीसेट कर दिया। अब जब हम फैक्ट्री डाटा रीसेट कर देते हैं तो हमारा ये वेलकम वाला ऑप्शन आ जाता है, जो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ऐसे दोस्तों उसका भी आ जाता है। अब जब आपका यही आ जाएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पर स्टार्ट वाला आइकन पर मैं क्लिक करूँगा एंड ध्यान से देख लेना, अगर आप कुछ गलती करते हो तो आपको दोबारा से फिर वही सारे ऐप चल जाएंगे। तो आपको स्टार्ट वाला आइकन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर एग्री कर देना। अब आप जैसे ही एग्री करोगे, यहाँ पर कईयों का फ्लाइट मोड लग जाता है, इसका मैं प्रॉब्लम का सोचना भी आपको बता देता हूँ। तो अगर आपके टैब के अंदर ऐसे फ्लाइट मोड लग जाता है जब आप एग्री पर क्लिक करते हैं, तो आपको 3 बार अपने पावर ऑफ वाले बटन को दबाना है, जिससे कि आप अपने टैब में पावर ऑफ ऑन करते हैं उस वाले बटन को 3 बार दबा देना, तो आपका जो टैब है उसके अंदर फ्लाइट मोड हट जाएगा और आपका नेट चलने लग जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर चेकिंग फॉर अपडेट्स वाला ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पर कुछ ऐसा आप देख सकते हैं दोस्तों आ जाएगा। एंड अभी ये कुछ अपडेट्स चेकिंग हो रही हैं, तो ये आपके नेट पर डिपेंड करता है कि कितनी देर में यहाँ पर हो जाएंगी। फिर दोस्तों उसके बाद आपका चेकिंग डिटेल्स वाला ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर कुछ जैसे कि पिछले में लोडिंग हो रही थी वैसे आपको इसके में होने देनी है, फिर नेक्स्ट ऐप पर आपको चले जाना है। तो उसके बाद दोस्तों जैसे ही आपका ये वाला कंप्लीट होता है, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको क्या करना है। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, अब आपको यहाँ से मेन है कि यहाँ पर आपको क्या क्लिक करना है, आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, यहाँ से आपको पावर ऑफ पर क्लिक करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, जिससे कि आपका जो टैब है उसके अंदर कनॉक्स मैनेज डाउनलोड होने लग जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको अपने टैब में खट्टर लाना है। तो अगर आपको खट्टर नहीं लाना तो यहाँ पर आपको स्विच ऑफ करना पड़ता है, वरना आपके टैब के अंदर खट्टर आ जाता है। अब उसके बाद आपका कनॉक्स मैनेज ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पर 2-3 लोडिंग होने लग जाएंगी। पहले आप देख सकते हैं कि ये इसके में आपके जो टैब है उसके अंदर कनॉक्स मैनेज यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है, फिर उसके बाद ये जो स्टूडेंट की शो का हो उसको भी डाउनलोड करेगा आपके टैब के अंदर, और ऐसे दोस्तों 3-4 बार लोडिंग होने लग जाएगी। तो आपको बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है। तो फिर उसके बाद आपका ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, अभी आप देख सकते हैं। एंड फिर अभी आप देख सकते हैं ये लास्ट टैप है, इसमें आपको सिंपली से ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है और आपको जो डिवाइस है उसकी पॉलिसी कुछ अप्लाइंग डिवाइस पॉलिसी आ रहा है, फिर उसके बाद प्लीज वेट अ 4 मिनट, अब आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। एंड अभी आप देख सकते हैं, और फिर उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपके टैब में भी यहाँ पर खट्टर आ जाएगा और वही के चार ऐप आएंगे जो कि थे उसके अंदर, कोई भी टेम्प्रेरी खट्टर नहीं है, ना ही आपको 3 बटन मिलेंगे नीचे, ना ही आपका नेविगेशन बार होगा, ना ही आपके साइड के कुछ भी नहीं रहेगा इसके अंदर, परमानेंटली खट्टर आ जाएगा। आई के बटन भी बिल्कुल सही तरीके से वर्क करेगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। तो ऐसे दोस्तों आपको अपने गवर्नमेंट टैब में खट्टर लाना है, एक बार ट्राई करके जरूर देखना, ऐसे हो जाता है आपके टैब के अंदर खट्टर आ जाएगा। तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये इंस्टाग्राम आईडी मैसेज कर सकते हैं। एंड मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, जय हिंद।